हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर 58. डेट इज 10 सितंबर 2020 एंड द सब्जेक्ट इज साइंस. यानी आज की हमारी वर्कशीट है साइंस सब्जेक्ट की. तो देखें आज की वर्कशीट में क्या है. अलॉन्ग विद मेंटेनिंग अवर पर्सनल हाइजीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन. So we must clean our homes daily. We should not allow waste to be accumulated inside our homes. We should try to put wet waste, that is peels of fruits and vegetables, in green dustbin, and dry waste like plastic, metal objects, broken pieces of glass in blue dustbin, so that it is easier to manage waste. Glass bottles or cloth bags can be checked thoroughly before throwing into the dustbins. Can it be reused? If yes, then we must try to use them again. तो अब वर्कशीट में क्या दिया है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ हम अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखें, क्योंकि हमने अपने को तो क्लीन कर लिया. अगर सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है तो वहाँ से हमें बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना. तो वी मस्ट क्लीन अवर होम्स डेली, तो वो तो हम डेली साफ़ करते ही हैं. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे घरों में इकट्ठा ना हो. हमें क्या करना है, हमें दो तरह के डस्टबिन्स रखने हैं, टू टाइप्स ऑफ डस्टबिन, वन फॉर वेट वेस्ट एंड वन फॉर ड्राई वेस्ट. तो जो वेट वेस्ट का है डस्टबिन वो होगा हमारा ग्रीन डस्टबिन, और ड्राई वेस्ट के लिए डस्टबिन होगा ब्लू डस्टबिन. तो अब वेट वेस्ट क्या है, गीली या ऐसा थोड़ा पानी है उनमें, ये है पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और जो वेट वेस्ट होती है ना बेटा, इससे हम मैन्योर बना सकते हैं, इसलिए हम इसे सेपरेट रखें तो ज़्यादा ज़रूरी है. हमने चाय बनाई तो चाय की पत्ती जो है वो भी हमारी वेट वेस्ट में जाएगी. और ड्राई वेस्ट में क्या क्या है हमारे पास, प्लास्टिक है, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास है, और क्या होता है, आप जो कागज़ के पीसेस कर देते हो, है ना, पीसेस ऑफ पेपर, वो भी हमारा ड्राई वेस्ट में जाता है. और उससे क्या होगा, अगर हम सेपरेट कर देंगे डस्टबिन, इट इज़ ईजियर टू मैनेज वेस्ट. हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं इजीली. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लास बॉटल और क्लोथ बैग्स, इनको जब भी हम फेंकें हमेशा चेक कर लें, कैन वी रीयूज देम. क्योंकि हमने क्या सीखा है, रिसाइकल, 3 R's सीखे ना, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस. तो रिसाइकल तो हम करते ही हैं चीज़ों को, रिड्यूस यानी जो ऐसी चीज़ों को कम यूज़ करें जो रिसाइकल नहीं हो सकती. और सबसे ज़रूरी है रीयूज़, कि हम चीज़ों को अगर मैक्सिमम रीयूज़ कर सकें तो उससे वेस्ट मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, वेस्ट कम होगा. तो इसलिए ग्लास बॉटल्स जो हैं, और वो किस में यूज़ कर सकते हैं, हम ईटेबल्स रख सकते हैं, हमारे मसाले जो हैं वो उसमें रख सकते हैं. और क्लोथ बैग्स जो हैं वो किस लिए यूज़ हो सकते हैं, मार्केट जा रहे हैं, हमें वेजिटेबल्स लेने हैं या कुछ और सामान लेना है, तो क्लोथ बैग्स हमारे वहाँ यूज़ हो जाएंगे. तो अब हमें यहाँ दो डस्टबिन दिख रहे हैं, एक है ग्रीन एक है ब्लू. ग्रीन फॉर वेट वेस्ट एंड ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट. अब देखें आगे क्या है. अब है आगे हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न. अब चेक करते हैं हम क्या सीख चुके हैं. योर ब्रदर हैज़ टॉर्न पेपर इनटू स्मॉल बिट्स, इन विच डस्टबिन शुड ही पुट द पेपर बिट्स. अब ये पेपर बिट्स जल्दी बताओ, ये वेट वेस्ट है या ड्राई वेस्ट है. ऑब्वियसली ड्राई वेस्ट है, और ड्राई वेस्ट हम कौन से डस्टबिन में डालते हैं, ब्लू डस्टबिन में. तो हम कौन से डस्टबिन में डालेंगे इसे, ब्लू डस्टबिन. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स दैट शुड बी चेक्ड बिफोर थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन एंड दीज थिंग्स कैन आल्सो बी रीयूज्ड. कि दो चीज़ों के नाम बताओ डस्टबिन में फेंकने से पहले, जिन्हें हम चेक करना चाहिए कि इन्हें रीयूज़ किया जा सकता है या नहीं. तो अभी मैंने बताया आपको, एक है हमारी ग्लास बॉटल्स और दूसरा है हमारा क्लॉथ बैग, इसे हम रीयूज कर सकते हैं. अब है थर्ड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्राई वेस्ट इन योर होम.
कि आपके घर में जो वेस्ट निकलते हैं उसमें से कौन कौन से वेस्ट आपको लगता है वो ड्राई वेस्ट में हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं हमारा, हमारे हो सकते हैं पीसेस ऑफ पेपर या पेपर पीसेस, ये हमारे ड्राई वेस्ट में आएगा। और क्या आ सकता है, प्लास्टिक, अगर हमारा कोई टॉय टूट गया है या प्लास्टिक का कुछ और सामान है। कार्टन्स कौन से होते हैं, जिसमें कुछ सामान पैक होके आता है, वो तो हमारे लिए वेस्ट है, हम उसे फेंकते हैं, तो वो भी ड्राई वेस्ट में जाएगा। ब्रोकन ग्लास, कोई ग्लास का सामान था हमारा वो टूट गया, तो वो भी ड्राई वेस्ट में जाएगा हमारे पास। और एम्प्टी बॉटल्स, जो खाली बॉटल्स हैं, किस किस की बॉटल्स हो सकती हैं, मेडिसिंस की हो सकती हैं, है ना, दवाई लेकर आए, वो मेडिसिन अब ख़त्म हो गई तो उसकी बॉटल खाली है, तो वो भी ड्राई वेस्ट में जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ड्राई वेस्ट में हैं। और इसके अलावा आपको लगता है कि आपको और भी ड्राई वेस्ट के कुछ एग्जाम्पल पता है तो आप उसे एड ऑन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द डस्टबिन इन विच यू योर मदर शुड थ्रो द वेस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का जो वेस्ट है वो ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है, वेट वेस्ट। और वेट वेस्ट हम किस में डालते हैं, ग्रीन डस्टबिन में, किस में डालते हैं, ग्रीन डस्टबिन। तो यहाँ पर आपको ग्रीन डस्टबिन का पिक्चर बनाना है, उसे ड्रॉ करना है, क्लियर। तो बेटा आपको एक प्रैक्टिस और करनी है, अपने घर में भी सेपरेट डस्टबिन रखने हैं, ऐसा नहीं कि एक ब्लू कलर का रखना है ग्रीन कलर का, आप सेपरेट बैग्स रख सकते हैं जिसमें एक में आप ड्राई वेस्ट डालें और एक में वेट वेस्ट डालें, जिससे उन्हें मैनेज करना आसान हो। और कोशिश करो जो आपकी वेट वेस्ट है ना उसे आप मैन्योर फॉर्म में कन्वर्ट करो और अपने घर के बगीचे में या अपने घर के गमलों में उस खाद को आप यूज़ करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक keep practicing and keep enjoying.